आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मुझे डर है मेरे दुश्मन मेरी बेटी काजल को उठा ले जाने की कोशिश करेंगे। दुश्मन? आज से 6 महीने पहले जब मैं अफ्रीका से वापस आ रहा था तो एक अजीब हादसा हुआ। प्लेन जब बैरूत एयरपोर्ट पर रुका और मैं क्लोक रूम में गया तो मैंने देखा एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। कल रामपुर में चौधरी साहब की बेटी की शादी, तुम उसे लूटना और साथ साथ ये अफवाह भी फैला देना कि तुम हनुमान प्रसाद के कातिल को जानते हो। दोस्तों, आज जिस एक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो फिल्मों में लगभग 50 सालों तक काम करते रहे। पहले वो हीरो बने, उसके बाद हीरो के पिता बने और उसके बाद विलन बने और उसके बाद बेशुमार सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन करेक्टर रोल्स किए, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर हुए वो अपनी आँखों की बदौलत, अपनी नीली नीली गंजी आंखों की बदौलत, और वो थे कमल कपूर। तो तुम ये समझती हो एक करोड़पति की बेटी उस गरीब स्कूल मास्टर के घर में रोटियां बनाएगी और खुश रहेगी? वो गरीब नहीं है जीत प्रसाद, वो गरीब नहीं है। इंसानियत की दौलत से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। रवि के पास गरीबी के सिवा रखा ही क्या है? यस सर, आजकल हाईवे पर एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है, बाद में वो और उसके साथी उसको लूट लेते हैं। लड़की? हाँ, ये एक फोटोग्राफर है, आज ये उसका शिकार बन गया, लेकिन जाते जाते इसने उस लड़की का फोटोग्राफ ले लिया। 22 फरवरी 1920 में पैदा हुए थे कमल कपूर पेशावर में एक पंजाबी हिंदू परिवार में। उनके बड़े भाई पुलिस ऑफिसर थे। कमल कपूर का जन्म तो हुआ था पेशावर में, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की लाहौर में और उसके बाद वो मुंबई आ गए। और इसकी वजह ये थी कि उनके कज़न, उनकी मौसी के बेटे पृथ्वीराज जी कपूर पहले से ही मुंबई में इस्टेब्लिश थे कला की दुनिया में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1944 में पृथ्वीराज जी कपूर ने अपने पृथ्वी थिएटर की बुनियाद रखी थी और उन्होंने ही अपने भाई कमल कपूर को पहला ब्रेक दिया था अपने मशहूर ड्रामे में, अपने मशहूर प्ले दीवार में एक अंग्रेज ऑफिसर का। 1946 में कमल कपूर हीरो बन गए और उनकी पहली फिल्म का नाम था दूर चलें और उनके साथ हीरोइन थी नसीम बानो, सायरा बानो की माँ। लेकिन अफसोस कि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन कमल कपूर की तो किस्मत खुल गई। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन की बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ, जैसे सुरैया, निगार सुल्ताना, नसीम बानो, श्यामा और गीता बाली। दोस्तों, कमल कपूर ने लगभग 21 फिल्मों में बहसियत हीरो काम किया, लेकिन किस्मत देखिए कि उन 21 फिल्मों में से ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गईं। मुझे एक बात बताना है आपको, 1948 में बहसियत प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर की पहली फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था आग, और उस फिल्म में कमल कपूर ने राज कपूर के पिता का रोल किया था। तुम्हें कौन सी लाट साहब के दफ्तर में नौकरी मिल रही है तो तुम्हारी जिंदगी का एक साल और कम हो जाएगा। लाट साहब का दफ्तर ही तो दुनिया में सब कुछ नहीं, दूसरे मैं नौकरी करना भी नहीं चाहता। नौकरी नहीं करोगे तो क्या सड़कों पे आवारा घूमोगे? आग के बाद कमल कपूर को कई फिल्मों की ऑफर आई, लेकिन करेक्टर रोल्स के लिए, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और ख़ुद प्रोड्यूसर बन गए। 1951 में उन्होंने एक फिल्म बनाई पार्टनरशिप में, उनके पार्टनर का नाम था R.N. Jolly और उस फिल्म का नाम था कश्मीर, लेकिन अफसोस कि वो फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। कश्मीर के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं पार्टनरशिप में फिल्म नहीं बनाऊँगा, अकेले बनाऊँगा, और 1954 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम था खैबर। वो खुद हीरो थे और उनके साथ हीरोइन थी निगार सुल्ताना।
लेकिन अफसोस कि वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। जिंदगी भर उन्होंने जितना कमाया था सब गंवा दिया और वो पाई पाई को मोहताज हो गए और काफ़ी अरसे तक, बल्कि कई सालों तक बगैर काम के घर में बेकार बैठे रहे। 1958 में मशहूर डायरेक्टर महेश कौल की एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था आखिरी दांव। हीरोइन थी नूतन, हीरो थे शेखर और उस फिल्म में कमल कपूर ने एक विलन का रोल किया था, नेगेटिव रोल। मेरा मतलब है थोड़ी देर के लिए मुझे प्यारेलाल समझ। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, असलियत है। मेरा ही नाम प्यारेलाल गुप्ता है। जिसे तुम प्यारेलाल समझ रही हो वो एक मामूली मोटर मैकेनिक है, जोड़ा लफंगा है, जो मेरी मोटर लेकर मेरे ही नाम से तुम्हें धोखा देता रहा। आखिरी दांव के बाद भी कमल कपूर को कोई फिल्म नहीं मिली। वो कहते थे कि मैं मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश जौहर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने 60s के दौर में मेरी मुलाकात करवा दी मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर और एक्टर IS जौहर से, और जौहर साहब ने उसके बाद मुझे अपनी ज़्यादातर फिल्मों में बेहतरीन रोल दिए। इनकलाबी पार्टी के लीडर राम और रहीम यानी के दो दीवाने आज 12 बजे बैंक ऑफ पुर्तगाल पर टाका डालेंगे। नॉनसेंस, जब की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। मैंने अपने प्रोग्राम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में जब कमल जी का इंटरव्यू लिया तो मैंने उनसे कहा कि आपने तो बेशुमार फिल्मों में तरह तरह के रोल निभाए हैं, मुझे बताइए ना कि आपको अपनी फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कहने लगे कि हर कलाकार को जहाँ पर वो अपनी कला के जौहर दिखाता है सब अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप पूछ ही रही हैं तो मैं बताऊँगा कि मुझे 2 फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, जब जब फूल खिले और डॉन। अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है तो कल हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है उसका जिंदा रहना भी खतरनाक है। हमें लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। नारंग, मैं लापरवाही से कभी कोई काम नहीं लेता। वो तो मैं देख रहा हूं डॉन, हमारे पेशे में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। तुम्हारा इस तरह से किसी होटल के स्टीम बाथ में होना बहुत रिस्की बात है। 1945 में कमल कपूर की शादी हो गई थी। उनकी बीवी का नाम था सुमन देवी और उनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। सबसे छोटी बेटी की शादी हुई है मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर रमेश बहल से, जो बहुत मशहूर प्रोड्यूसर थे और कई सुपरहिट फिल्में बनाई थी बड़े बड़े स्टार्स को लेकर, जैसे जवानी दीवानी, कस्मे वादे, बसेरा और द ट्रेन। रमेश बहल के 2 बच्चे हैं, 1 बेटी और 1 बेटा। बेटे का नाम है गोल्डी बहल और वो भी प्रोड्यूसर है और उसने शादी की है मशहूर हीरोइन सोनाली बेंद्रे से। दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कमल कपूर के छोटे भाई का नाम था रविंद्र कपूर। वो हीरो भी थे, कॉमेडियन भी थे और करेक्टर आर्टिस्ट भी थे। कमल कपूर की आखिरी फिल्म का नाम था जख्मी रूह और वो आई थी 1993 में। हाँ बेटे, राधा जी। मालिक, सामान गाड़ी में रखवा दो। हाँ जी मालिक। और मैं जाते जाते तुम दोनों को मंदिर छोड़ दूंगा। पापा, हम माँ को याद करते हैं, माँ भी हमें याद करती होगी ना? क्यों नहीं बेटे, वो ऊपर से अपने बच्चों को देखती होगी प्यार से और आशीर्वाद देती होगी। पापा, आप कितने अच्छे हैं मेरे बच्चों। इस फिल्म के बाद भी वो फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि सेहत ने और हालात ने साथ नहीं दिया। वो कहते थे कि इंतज़ार करना तो किसी का भी, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और मौत का इंतज़ार करना वो तो बहुत तकलीफ देह होता है, जो मैं कई सालों तक बिस्तर पे पड़े पड़े बर्दाश्त करता रहा और मौत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। दोस्तों, वो अक्सर एक शेर भी सुनाते थे, थक गए करते करते इंतज़ार हम, थक गए करते करते इंतज़ार हम, एक क़यामत मौत का आना हो गया। और वो इंतज़ार ख़त्म हुआ 2 अगस्त सन 2010 में, जब उन्होंने आखिरी सांस ली मुंबई में। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए
सब्सक्राइब।